तो भी करो भगवान जी है हो गया बिट्टू कृति चलो तू भी कर लो प्रणाम शंकर जी के छू के कर लो मंगलम देवानां तु पाठकान मंगलम मंगलम सर्वदेवानां भूयोर्भूपति मंगलम पृथ्वी नमः आधार शक्ति नमः कूर्म कमलासनाय नमो नमः बाएं हाथ में कीजिए सर्वसम रखेंगे और सीधे हाथ से ढक देंगे ओम हरि ओम आप सर्वम दूते हे भूता विघ्न कर्ता ओम फिर पश्चिम की तरफ आवाचे नमः उत्तर की तरफ उदीचे नमः दक्षिण की तरफ प्रतीचे नमः सिर के ऊपर उलगवाए नमः सीधे हाथ में रखेंगे बची हुई सब और अपने सिर के ऊपर फैलाएंगे हे भूतानां अधिपतयो शिखा च प्रकटेन शिखा चलो तो हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल आप सभी को मेरे करने में स्वागत है। क्या कर रही है? तो दोस्तों यहाँ मेरा सारा काम हो गया बट काम जैसा लग नहीं रहा है क्योंकि इधर करने में ना मेरा बेटा ना ऐसे बेड के कोई चुंबर मिला के रखा है ना, आप लोग देखिए कितना गंदा कर रखा है मेरा बेड। नहीं देखी है तो चलिए देख लीजिए कि इसे करके रखता है ना, मेरा करते करते हालत पंचर हो जाता है। एक सुबह से यानी हम समझ लीजिए समय सावन है ना, पूरे 5 बजे उठना सारा काम करना, कभी 6:30 तो होता ही नहीं है, 5:30 हो जाता है, लगता है 5:30 हो गया क्योंकि सुबह में उठते हैं झाड़ू पोछा सब काम करना, कपड़े धुलना नहाना, फिर घर में पूजा करते हैं, फिर मंदिर भी जाते हैं। सोचे कि चलो ऐसे तो जाना नहीं होता है, पूरे सावन में कम से कम मंदिर तो जाएं, मंदिर की वजह से जल्दी मतलब उठना पड़ता है कि चलो मंदिर भी चले जाए, फिर सुबह नहीं जाते हैं तो काफ़ी लेट हो जाते हैं। अभी क्रिस के यहाँ छुट्टी भी चल रही है मेरा, इसलिए हमको सुबह जाना पड़ता है, नहीं तो दोनों को लेकर जाना पड़ता है, दोनों हमको पूजा करने नहीं देते। अभी तो बहुत अच्छे से हम पूजा पाठ कर भी लेते हैं और क्रिस यहाँ मेरा टीवी देख रहा है। अभी पढ़ने को कहिए ना, कैसे जी दुखी कर रखाता है ना, जबकि अभी खाना भी नहीं बना समझ लीजिए। तो अब चल के खाना बना रहे हैं, चलिए आप लोग भी चलिए मेरे किचन में देखिए आज क्या बनाएंगे। आज बनाएंगे अपने बिहार का स्पेशल खाना और नाश्ता में भी वही बनाए थे, लिट्टी बनाए थे आज, बहुत अच्छा और टेस्टी भी लगा, इसको बहुत पसंद है, बोला मैंने बहुत टेस्टी। तो दोस्तों यहाँ क्रिस हमको 10 एनिमल्स नेम लिख कर दिखाएगा। कितने एनिमल्स नेम लिख कर दिखाओगे? ये वो समी का पेड़ है क्या ये वाला? हेलो भाई देखिए यहाँ हम लोग शाम के समय हो गया था तो घूम रहे थे, क्रिस साइकिल चला रहा अपना और हम कृति यहाँ घूम रहे हैं, माँ बेटी कृति आगे है तो घूमना भी चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कोने में है, बहुत सारे लोग भी घूमते हैं तो यहाँ मतलब अभी शाम भी नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है बट उतना नहीं हुआ, आप लोग को दिख ही रहा होगा कैमरा में। चलिए तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग, अब घर जा रहे हैं, क्रिस पहले ही पहुंच गया है और यहाँ कृति है, आप लोग कहेंगे कि बोल रही है कृति को दिखाने के। हेलो कृति, हाय, उसको पापा दिखाई दिए हैं, अब जा रही है पापा जी के पास अपने। चलिए आप लोग से अब घर जाके बात करते हैं। दोस्तों ये शाम के समय था जो कि मेरा व्रत था, तो यहाँ मैं खाना बना रही थी वह भी पनीर के सब्जी, क्योंकि पनीर आ गया था और क्रिस का मेरा फेवरेट है तो सोचे चलो मेरा भी व्रत है ना तो बच्चे और हस्बैंड खा लेंगे। तो कृति तो एकदम नहीं छूती भी नहीं है, खाएगी थोड़ा मोड़ा खाती है, ये नहीं खाती है। हाँ क्रिस अच्छा से खा लेता है पनीर के सब्जी और रोटी, और क्रिस के पापा भी तो सोचे चलो हम बना देते हैं, तो यहाँ प्याज काट रहे थे कुछ थोड़ा थोड़ा काट दे रहे थे और कुछ ग्रेवी भी के लिए पीस देंगे, अब उसी में मसाला भी डालकर। और यहाँ कृति मेरे को परेशान करने लगी थी तो बुरी मम्मी आँख में लग रहे तो हम बोले दो फूक दे, तो यहाँ बोले कि चलो हटो बनाएंगे नहीं तो फिर गर्म पड़ेगा ना तो जल जाएगी, तो
तो उसको बोली नहीं मम्मी नहीं, ऐसे ऐसे करती रहती है, जितना देर बैठेगी ना उतना ऐसी करती रहेगी। यहाँ मेरा बेटा आ गया था क्रिस, जो कि उसको पढ़ने के लिए बैठाए थे, यहाँ कुछ कुछ पूछ रहा था जो कि हम बता रहे थे उसको। तो यही होता है बच्चे के साथ, तो ज़्यादा समय बच्चे में ही लगता है, किचन में हो या बाहर हो को। और फिर यहाँ कृति मेरा पता नहीं नाशपाती ले ली थी कि एप्पल ले ली थी, तो लेकर गरीब मम्मी ये छी गंदा। इन लोग का ये है ना कि थोड़ा सा भी लग जाए तो नहीं खाएंगे, एकदम पूरे फ्रेश फ्रेश केला हो को ना तो थोड़ा सा भी काला ऊपर से भी काला दिख जाएगा ना, जैसे केला ज़्यादा पक जाता तो इन लोग नहीं खाते हैं, इन लोग के लिए एकदम फ्रेश चाहिए। तो यहाँ बोल रही थी मम्मी बैठा हो बैठा हो, यहाँ बोले नहीं अब डाल रहे तो जल जाएगी, और थोड़ा सा प्याज हम अपना इसमें भून देंगे और उसके बाद हम मिक्सर जाल में पीसेंगे। फिर टमाटर था तो टमाटर भी डाल के पीस देंगे थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा ना प्याज पिसाएगा नहीं इसमें थोड़ा, इसीलिए टमाटर वमाटर सब पीस देंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो पीस आ जाएगा। तो यहाँ अपना पनीर को थोड़ा सा फ्राई भी कर रहे थे क्योंकि अच्छा लगे। और यहाँ मेरा डिब्बा का जीरा ख़त्म हो गया था, जो कि ये पैकेट वाला जीरा था नए तो निकाले हैं इसको, तो इसमें से बना रहे थे। इसमें भी डाल रहे थे जीरा और काली मिर्च डाल के और पीस देंगे। मिर्च बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि मेरा बेटा और बेटी खाते हैं, तो इसलिए मिर्च बिल्कुल हटा देंगे। और क्योंकि इसके पापा को खाना रहता है ना तो फिर हरा मिर्ची ले लेते हैं। अब मेन है कि डाल देंगे तो फिर मेरे बेटा नहीं खाएगा, तो हमको लगता है कि यार बनाने का क्या फ़ायदा। और यहाँ हरा मटर भी था तो हरा मटर भी इसमें डालेंगे, तो थोड़ा अभी से ही डाल देंगे ना तो थोड़ा अच्छा से ये भी भुंजा जाएगा और पक जाएगा। तो इस समय तो आप लोगों को पता है फ्रेश हरा मटर नहीं आता है, बहुत दिन का स्टोर किया हुआ आता है। और यहाँ अपना मसाला पीसेंगे मिक्सर जाल में, मसाला वसाला पीस के, क्योंकि इसको भी भूंजेंगे बहुत, क्योंकि इसमें भी कच्चा प्याज डाले हैं तो इसलिए भूंजेंगे। और भून देंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसे बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं, बट मेरे को तो खाना ही नहीं था, फिर भी ये था कि चलो बच्चे लोग के खाना था तो बना दो। और इधर तो दिन भर व्रत रखती हैं और शाम में इन लोग अपना खाना खा लेती हैं, तो अपने अपने तरह का नियम होता है दोस्तों। और यहाँ मेरा मसाला पीसा रहा है, मसाला पीसने के बाद फिर उसमें मसाला डाल देंगे। मेरा प्याज एकदम लाल हो गया था तो इसलिए जल्दी जल्दी पीस के आप देख रहे हैं, देखिए फिर अपना यहाँ मसाला डाल देंगे और इसमें पीस देंगे। और इसमें ये हल्दी डाल देंगे, धनिया पत्ता तो डालेंगे ही लास्ट में, तो हल्दी डाल दिए थोड़ा सा पीला होने के लिए। और यहाँ क्रिस आकर कुछ बदमाशी कर रहा था, तुम बोले पढ़ लिए कर, हाँ मम्मी पढ़ाई हो गया, तब बोले चलो ठीक है रूम में चलो, तो कर रहे टीवी देख लेता, हम बोले हाँ थोड़ा सा टीवी देख लो क्योंकि पढ़ते पढ़ते पापा के लिए ही बना रहे हैं क्योंकि मेरा व्रत है तो मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इनको पता नहीं था कि मेरा व्रत था। अब तो ये ले आंदी है पनीर, तो मैं सोची कि भाई क्योंकि लगातार दो दिन आज परसों से कल सी रात है, ये रात है कि चलो कल बना लेंगे, कल मेरा व्रत नहीं रहेगा तो कल भी है तो क्या करें, तो इसलिए हम इनको आधा पनीर बना रहे हैं और आधा खुद खा लेंगे। मतलब ज़्यादा फिर ये फिन होता है ना कि कल खाएंगे भी नहीं कल का आज का सब्जी, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा ही बनाए, क्या फ़ायदा बनाकर इतना मेहनत करो अब फेंको, तो इसलिए क्या कर रही है तो किचन में गर्मी भी हो रहा है, बाथरूम में पानी खोल के छोड़ दी है कृति बहुत मेरे ना, क्या करती रहती है बदमाशी। क्या क्या बोलती रहती है हाँ, इधर देखो क्या बोल रही है। ठीक है यहाँ अपना बना रहे हैं और रोटी बनाएंगे, टाइम तो 9 बज गया कोई नहीं, चल ऐसे सी रात है सावन के, इसके पापा का भी छुट्टी होगा, चलिए मैं थोड़ी देर में दिखा रहे हैं अपना रोटी बनाएंगे थोड़ा सा। तो हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग को एक हम आदत के बारे में कुछ सुनाते हैं क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लगा तो सोचिए चलो आप लोग को भी सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आदत चाहे अच्छी हो या बुरी हमें अपनाना दोनों को चाहिए, इससे फ़ायदा होगा कि अच्छा आदत हमारे गलतियों को बाहर निकाल कर हमें अंदर से निखारे और बुरी आदत अगर ना भी निखारे पाए तो हमें दूसरे को बुराइयों से पहचान करवा देगी। तो यही है आदत,
दोनों को ही अपनाना चाहिए, अच्छी और बुरी। तो दोस्तों कितना अच्छा सीख मिला हम लोग को, अच्छी आदत हम लोग को निखार देती है और बुरी भी आदत रहती है तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि बुराई पहचान दूसरे को बुराई पहचान कराती है, जो दूसरे में बुराई रहती है ना तो हम लोग पहचान कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ मेरा सब्जी बन गया, अब सब्जी बनाने के बाद सब फैला फैला हो जाता है तो इसलिए हम लोग अपना सफाई कर लेंगे किचन को, क्योंकि फिर रोटी बनाने में अच्छी लगेगी, नहीं तो फिर रहती रहेगा। और यहाँ पहले दूध गर्म कर लेते हैं, क्योंकि दूध रोटी मेरी कृति खाएगी और यहाँ रोटी बनाएंगे। जो जो थोड़ा मोड़ा चाय हो, एक बर्तन था ऐसे बर्तन था तो उसको भी हम लोग धो लेंगे सिंह। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए।